आप लोगों के लिए है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। तो पहला कमेंट जो मैंने यहाँ पर लिया है ये है राजू कुमार पांडे जी का। ये बिहार से हैं और बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर के कुछ इन्होंने कॉमेंट किया है, यहाँ पर मैंने देख दिया है, आप लोग देख लीजिए। और बिहार से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे किसी का मैसेज आया था बिहार को ही लेकर के, शिक्षक बहाली को लेकर के, कि हम लोग बहुत ज़्यादा धरना वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बिहार से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आप लोगों को भी जो भी मैटर है वो जल्द से जल्दी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कमेंट हमने यहाँ पर लिया है नम्रता के नए वीडियोज़ करके नाम ही है इनका। इन्होंने कहा है कि दी आप वीडियो अपनी किस ऐप से एडिट करती हो, तो नॉर्मल इनशॉट या फिर काइनमास्टर से आप एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं मैक्स मोस्टली इनशॉट से ही एडिट करती हूँ क्योंकि मुझे उसी की अब आदत हो गई है और उस पर थोड़ा सा इजी लगता है वर्क करना। नेक्स्ट कमेंट हमने लिया है रोशनी तिवारी जी का। इन्होंने मेरे चैनल में बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और जिनमें से कुछ कमेंट मैं आपको बता यहाँ पर दिखा देती हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर इतनी मेहनत आप पढ़ाई में कर लेती तो आप अब तक शिक्षक बन जाती, पढ़ने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग यूट्यूब वगैरह करें। ऐसे बहुत सारे इनके कमेंट्स हैं तो उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ कहना है, आप लोगों को इस मैटर पे कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आकांक्षा पांडे जी ने कहा है कि यूपी टेट के लिए कुछ गाइड करें, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स, इस कमेंट को मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि अगर हम लोग अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किए हैं तो कैसे अब स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी लेना है, उसके बाद हर एक टॉपिक को, मतलब हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं पहले ये टॉपिक पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, फिर बाद में जब रिवीजन करना है तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से रिवीजन करें क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, फिर लास्ट में सोचते हैं कोई ये वाली बुक ले ले, वो वाली बुक ले ले। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, 1 से 2 महीने आप लोग केवल नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। आपको नोट्स कैसे बनाना है, हर एक टॉपिक को लेना है और उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा है, तो उसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि चार्ट वगैरह, फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो, डायग्राम बना के लिख सकते हो, उस तरह से आप लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो कम से कम जगह में। फिर आप लोग मिनिमम 1 या 2 पेज छोड़ दीजिएगा ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो नए नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कहीं PYQ में आपको दिख गया कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, या आप एनालाइज कर रहे हो तो कोई नया एग्जांपल और मिल गया उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चल गया, तो वो सारा उन पेजेस में ऐड करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रिवाइज कर लेंगे और आपको जितना भी भूल जाएंगे ना पढ़ने की वजह से कुछ दिन, वो सारा आपका रिवाइज होता चला जाएगा। तो ऐसे ही आपको यूपी टेट के लिए अभी से स्टार्ट कर देना है और अदर एग्जाम के लिए भी आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है स्टार्ट करने के लिए बिगनर्स के लिए। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ टेस्ट बुक ऐप में खास बात ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब उस पर मॉक लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस भीड़ में हमारी रैंक कहाँ है, हम अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्कोर वहाँ पर ऑलरेडी लोग करते हैं और हमें खुद को इम्प्रूव करना होता है उन्हें देखकर, और हम अपने आप को टॉपर से कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर है क्योंकि हमेशा टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए यानी कि 12 मंथ के लिए मिलता है, बट अगर आप आज 13 से लेकर के 15 तक अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो आपको मिलता है 269 में पूरे 15 मंथ के लिए पास, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसके अलावा मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। और जो लोग पहले से टेस्ट बुक यू डाउनलोड कर लिए और वो मेरा कोड अप्लाई नहीं कर पाने, किसी का आज कमेंट भी आया था, तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए, बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, आप चाहते हैं 269 में आप परचेज कर लो, तो आप लोग मेरा कोड एसटेट जरूर से ज़रूर यूज़ करिएगा क्योंकि इससे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जहाँ पर अप्लाई कूपन कोड लिखा होता है वहाँ पर आप लोग एसटेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज मेरा कोड यूज़ करके बाय कर लिया है तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक साइड आप नोट्स बनाते रहिए और दूसरी साइड अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, खुद की रैंक देखने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। कभी कभी बहुत लगता है कि 3 घंटे या 2 घंटे नहीं बैठना है तो आप मिनी टेस्ट भी उसमें होते हैं। मतलब जैसे हिंदी है, आपने कोई एक मुहावरा टॉपिक पढ़ा तो आप मुहावरे के ही केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा आज ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो इससे रिलेटेड मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए,
ये आप लोग मेरे कहने पर मत जाइएगा, खुद से करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी है उसके क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, मुझमें खुद इम्प्रूवमेंट हो पा रही है। तो अगर इसके अलावा कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स के आंसर के साथ।